फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे इस रेड सब्सक्राइब बटन को पुश करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फाइल, पुरानी फाइलों से एक फाइल, ऑफिस बैग। ऑफिस बैग बनाना बहुत ही आसान तरीके से हम आपको आज बताने वाले हैं। हमने कुछ यहाँ पे पुरानी फाइल्स ली हैं जो कि हमें मार्केट में 2 या 3 रुपए की आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ये फाइल्स थी, तो आइए अब हम इससे ऑफिस बैग बनाते हैं और अपने सामान को रिस्टोर करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी फट चुकी है, तो इसका हम अभी अच्छा और बेस्ट यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको क्रैक हो गया है, तो आइए अब हम इसका अच्छा यूज़ करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इसे सीधा करने के लिए थोड़ा एक कपड़े पे, इसके बीच में, कपड़े के बीच में हमें फाइल को रखना है और हमें थोड़ा सा आयरन कर लेना है। इस तरह से हमें आयरन कर लेना है कि फाइल हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए। इस तरह से हम इसे आयरन कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, मार्केट में आपको ऑफिस बैग कम से कम 300 या 400 तक का मिलेगा और मैं यहाँ पे आपको आसानी से बता रही हूँ कि आप 10 रुपए के अंदर ही आप बैग, ऑफिस बैग कैसे बनाएं और अपने कागज़ को और ज़रूरी पेपर्स को संभाल के रखें। इस तरीके से अब हम फाइल को बीच से काट लेंगे। ये मैंने फाइल के 2 पार्ट कर लिए हैं। इस तरीके से मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए। अब हम एक पुराना कपड़ा लेंगे। मैंने यहाँ पे एक हैंड बैग का यूज़ किया है। ये बहुत पुराना वेस्ट हो चुका है, तो मैंने इसे यूज़ में लाने के लिए इसे लिया है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे भी थोड़ा आयरन करके सीधा कर लूँगी कि हम इसे अच्छे से स्टिच करें और फिर हमें इसके दोनों साइड से इसको काट लेना है। इस तरीके से हम दोनों साइड से इसको काट लेंगे अच्छे से। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से काट दिया। ये अब कैरी बैग हमारा थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब हम इसके छोटे छोटे लंबे लंबे पट्टी काट लेंगे कपड़े की। इस तरीके से अब हम इसकी पट्टी काटेंगे पतली पतली। इस तरह से हमें इसको काट देना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से काट दिया। इसी तरह से हमें और भी 2-3 पट्टियां काट लेनी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो फिर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से अब हमें फाइल के चारों तरफ इस तरह से पाइपिंग लगा देना है कपड़े की। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसका अपर पार्ट मोड़ लेना है और फिर हमें मशीन से इसको अच्छे से स्टिच कर देना है।
इस तरीके से हमें इसके चारों ओर कपड़े को स्टिच करना है। इस तरह से और हमें साइड साइड से इसे लॉक करते रहना है। तरीके से हम अच्छे से अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सफाई आ जाए, और फिर हमें इस तरीके से चला देना है। और फिर हमें थोड़ा साइड का काट देना है और हम इसे अच्छे से अब मोड़ लेंगे। तरीके से दोनों फोल्ड करके हमें इसके अंदर लगा देना है और फिर अच्छे से इसे स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमारा दोनों इसी तरह हमें दोनों में ऐसे ही पाइपिंग लगा देना है और अच्छे से स्टिच कर देना है। अब हम लगाएंगे इसमें ज़िप। पहले हमें एक ऊपर के पार्ट से एक ज़िप लगा लेना है इस साइड से। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर के पार्ट से उसकी चौड़ाई में से ज़िप लगाया है, और इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी दूसरा पार्ट ज़िप में अटैच करना है। इस तरीके से हमें अच्छे से लॉक करके इसको स्टिच करना है। और फिर अब हमें दोनों पार्ट्स को इस तरीके से स्टिच करके जोड़ देना है। इस तरीके से मैंने इसे जोड़ दिया। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने कागज़ और सारे ज़रूरी सामान रख सकते हैं। आप इसमें रखने से आपके कागज़ भीगेंगे भी नहीं और सेफ भी रहेंगे। ये देखिए, मैंने एक और दूसरा बनाया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा है और ये भी बड़ी फाइल से बना हुआ है। इस तो आप भी ऐसे ही अपने घर में आसानी से यूज़लेस सामानों से आप इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।